हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत, जिसको मांग पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेज की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी कोष सिद्धांत एवं मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की चर्चा की थी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मांग पूर्ति सिद्धांत के बारे में विवेचन करेंगे। विद्यार्थियों, किसी उद्योग विशेष में मजदूरी का निर्धारण उस मजदूरी दर पर होता है जिस दर पर श्रम की मांग एवं पूर्ति बराबर होती है। विद्यार्थियों, हमने देखा था कि श्रम की मजदूरी निर्धारण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत श्रम की मांग के बारे में बताता है, लेकिन मजदूरी का निर्धारण मांग पूर्ति दोनों के द्वारा होती है। तो मजदूरी दर भी अन्य किसी कीमत की तरह श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि हम जानते हैं श्रम की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं से अलग होता है, परंतु इसके बावजूद भी श्रम की मजदूरी का निर्धारण मांग श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा होता है। इसलिए मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत श्रम की मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। विद्यार्थियों, मजदूरी निर्धारण के लिए हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ले रहे हैं, जिसमें श्रम संघों का अभाव है और इसके अलावा कुछ अन्य मान्यताएं भी इसमें निहित है। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता, साधन बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है और वस्तु बाजार में भी हम पूर्ण प्रतियोगिता मानकर चल रहे हैं। और जो अन्य मान्यताएं हैं वह हैं कि व्यवसाय की स्वतंत्रता है, यानी जो श्रमिक हैं वह किसी व्यवसाय को चुनने के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। अनेक श्रमिक तथा अनेक मालिक हैं श्रम बाजार में। इसके अलावा श्रम पूर्ण गतिशील है और श्रम बाजार का पूर्ण ज्ञान है श्रमिकों को और मालिकों को, और पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इन मान्यताओं के लेने पर जो श्रम की मजदूरी है वह श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। श्रम की मांग के बारे में बात करें तो उद्योग में श्रम का जो मांग वक्र है वह विद्यार्थियों उस उद्योग की विभिन्न फर्मों के श्रम के मांग वक्रों के जोड़ से हम उद्योग का मांग वक्र निकालते हैं। जैसे कि हमने श्रम के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में भी देखा था कि जो श्रम के लिए जो मांग है, फर्म के द्वारा जो श्रम के लिए मांग होती है वह जो श्रम का जो MRP वक्र है फर्म के लिए, उस MRP वक्र के गिरते हुए हिस्से को श्रम का मांग वक्र कहा जाता है। और विद्यार्थियों, हमने ये माना है कि उद्योग में बहुत सारी फर्म हैं, तो इन सभी फर्मों का जो MRP वक्र है उनको जोड़कर श्रम का मांग वक्र हम ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि उद्योग में पाई जाने वाली विभिन्न फर्मों के MRP वक्र अलग अलग होंगे, इसलिए उनके मांग वक्र भी अलग अलग होंगे, लेकिन हम उद्योग की सभी फर्मों के MRP वक्रों अथवा हम कह सकते हैं श्रम के मांग वक्रों का यदि हम हॉरिजेंटल समेशन कर लें, उनका क्षैतिज जोड़ कर लें, तो हमें समूचे उद्योग का, पूरे उद्योग का श्रम का मांग वक्र प्राप्त होता है। और उद्योग में विद्यार्थियों श्रम का जो मांग वक्र है सामान्य मांग वक्र की तरह बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, यानी ऋणात्मक ढाल वाला होता है। विद्यार्थियों, जो उद्योग में श्रम का मांग वक्र है उस पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है उद्योग के मांग वक्र पर, क्योंकि जो श्रम का मांग वक्र है
वह व्युत्पन्न मांग होता है, डिराइव्ड डिमांड कर्व होता है। तो इसलिए श्रम की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसके निर्माण में श्रम को लगाया जाता है। यदि वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसके उत्पादन में लगाए जाने वाले श्रम की मांग अधिक होगी। इसके अलावा श्रम की जो मांग है वह उत्पादन की तकनीकी दशाओं पर, या हम कहें जो फर्म का जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है उस पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो श्रम की मांग है वह अन्य सहयोगी साधन जो कि उत्पादन प्रक्रिया में काम लिए जा रहे हैं उन पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, यह जो श्रम की मांग वक्र है वह अन्य साधनों की कीमतों पर निर्भर करती है। जैसे कि यदि पूंजी की कीमत जैसे कि ब्याज बढ़ जाएगा तो ब्याज की दर बढ़ जाती है तो उद्योगपति पूंजी के स्थान पर श्रम का अधिक प्रयोग करने लग जाते हैं। इसलिए श्रम की मांग अन्य सहयोगी साधनों की कीमतों पर भी निर्भर करती है। तो श्रम का मांग वक्र सामान्य रूप से नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, बाईं ओर से दाईं ओर नीचे झुकता हुआ होता है, जिसका मतलब है कि कम मजदूरी दर पर अधिक श्रमिकों की मांग की जाती है और अधिक मजदूरी दर पर कम श्रमिकों की मांग की जाएगी। अब हम बात करें श्रम की पूर्ति की। उद्योग में जो श्रम का पूर्ति वक्र है वह पूर्ति वक्र प्रायः दाहिनी ओर ऊपर की तरफ जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि मजदूरी दर सामान्यतः मजदूरी दर जितनी अधिक होती है जो श्रम की पूर्ति है वह भी उतनी अधिक होती है। विद्यार्थियों, यहाँ श्रम की पूर्ति से हमारा जो मतलब है वह किसी विशिष्ट प्रकार का जो श्रम है उस श्रम के उन घंटों अथवा दिनों से है जिन्हें वह विभिन्न मजदूरी दरों पर नियोजन के लिए प्रस्तुत करता है। यानी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वह सप्लाई ऑफ लेबर मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आवर्स और डेज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर विच विल बी ऑफर्ड टू फॉर हायर ऑन डिफरेंट वेज रेट। यानी विभिन्न मजदूरी दरों पर जो श्रम की पूर्ति उपलब्ध है, श्रम जो काम करने को तैयार है वह श्रम की पूर्ति है, और यह श्रम की पूर्ति वक्र जो है वह धनात्मक ढाल वाला होता है। लेकिन विद्यार्थियों, कई बार श्रम का पूर्ति वक्र एक बिंदु के पश्चात पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, यानी बैकवर्ड बेंडिंग होता है, जिसका मतलब है कि अधिक मजदूरी दर पर सामान्यतः श्रम की पूर्ति अधिक होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मजदूरी दर बढ़ने पर श्रम जो श्रमिक हैं वह अवकाश को काम के से ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं, अवकाश को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं, तो व्यक्ति मजदूरी बढ़ने पर अधिक अवकाश चाहने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरी बढ़ने पर हो सकता है श्रम की पूर्ति कम हो जाए। तो उस स्थिति में मजदूरी दर बढ़ने पर श्रम की पूर्ति घटने लगती है। हालांकि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ज़्यादा आराम या ज़्यादा अवकाश चाहने लग जाता है और अवकाश के प्रत्येक घंटे की लागत भी काफ़ी ऊंची होती है, तो ऐसी स्थिति में श्रम का पूर्ति वक्र बैकवर्ड बेंडिंग हो सकता है। लेकिन हमने सरल रूप में इसको धनात्मक ढाल वाला ही लिया है। तो श्रम के मांग वक्र और श्रम के पूर्ति वक्र का डिस्कशन करने के पश्चात हम श्रम की मजदूरी दर के निर्धारण की बात करें तो विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में मजदूरी का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन के द्वारा होता है, जहां पर
श्रम का मांग वक्र और श्रम के पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे उद्योग के लिए श्रम के मांग वक्र और श्रम के पूर्ति वक्र इस चित्र में बनाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ई बिंदु पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होने पर ई बिंदु पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। और मजदूरी जो है वह ई एम है और ओ एम मात्रा उद्योग में काम पर लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों, इस प्रकार उद्योग में श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के द्वारा मजदूरी दर निर्धारित होती है। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मानकर चल रहे हैं साधन बाजार में भी और वस्तु बाजार में भी, तो साधन बाजार में जब पूर्ण प्रतियोगिता है तो जब उद्योग के द्वारा मजदूरी दर निर्धारित हो जाती है तो विद्यार्थियों फर्म उद्योग के द्वारा निर्धारित मजदूरी दर को स्वीकार कर लेती है। यानी अब फर्म के लिए मजदूरी दर दी हुई है, इस मजदूरी दर में जो फर्म है वह परिवर्तन नहीं कर सकती क्योंकि जो बाजार है उसमें अनेक श्रमिक पाए जाते हैं और अनेक सेवा योजक होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, और इस स्थिति में कोई अकेला जो एम्प्लॉयर है या जो फर्म है वह मजदूरी को प्रभावित नहीं कर सकता। तो एक बार जब उद्योग के द्वारा मजदूरी निर्धारित हो जाती है तो उसे व्यक्तिगत फर्म को या एक फर्म को उस मजदूरी को स्वीकार करना होता है और वह जो व्यक्तिगत फर्म है उस दी हुई मजदूरी पर काम पर श्रमिकों को लगाती है। और इसलिए फर्म के लिए मजदूरी रेखा जो वेज लाइन है वह क्षैतिज सीधी रेखा होती है, और यानी श्रम का जो पूर्ति वक्र है वह क्षैतिज सीधी रेखा के रूप में होता है, और इस पर एक फर्म के लिए श्रम का पूर्ति वक्र क्षैतिज सीधी रेखा होती है। और यहाँ पर फर्म के लिए श्रम की औसत लागत और श्रम की सीमांत लागत दोनों मजदूरी दर के बराबर होती हैं। औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी दोनों बराबर हैं। विद्यार्थियों, अब फर्म के लिए मजदूरी दर दी हुई है तो फर्म श्रम की मजदूरी दर दी हुई होने पर संतुलन की स्थिति में श्रम को काम पर लगाती है और अपने संतुलन स्थिति को निर्धारित करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विद्यार्थियों, जैसे हमने वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में वस्तु की कीमत यानी पी और सीमांत लागत यानी एमसी और एसी ये तीनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, उसी प्रकार साधन बाजार में दीर्घकाल में मजदूरी श्रम के सीमांत और औसत आगम उत्पादों के बराबर होती है। तो विद्यार्थियों, ये दीर्घकाल में फर्म के लिए संतुलन की शर्त होती है। क्योंकि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो फर्म है वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है या उसे यदि हानि हो रही है तो अपनी हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। तो इसके लिए श्रम को जो सीमांत मजदूरी दी जाती है, जो मजदूरी दी जाती है, जो फर्म उस मजदूरी को श्रम के सीमांत आगम उत्पाद मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर करना चाहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्म अपनी लाभ को अधिकतम करने अथवा हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, तो फर्म श्रम को उस स्थिति तक या उस बिंदु तक फर्म श्रमिकों को नियोजित करती है, काम पर लगाती है जहां श्रमिकों की मजदूरी उनके सीमांत आगम उत्पाद के बराबर हो जाए। ये फर्म के संतुलन की
अनिवार्य शर्त मानी जाती है कि जो श्रम की जो सीमांत मजदूरी है और जो श्रम का सीमांत आगम उत्पाद है वह एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इस बिंदु पर फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे हमने वस्तु कीमत निर्धारण में देखा था कि फर्म को अल्पकाल में हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है या सामान्य लाभ हो सकता है, उसी प्रकार साधन बाजार के संदर्भ में जब फर्म श्रमिकों को काम पर लगाती है तो उस स्थिति में अल्पकाल में फर्म तीनों स्थितियों में से किसी का भी सामना कर सकती है। कहने का मतलब है फर्म को हानि हो सकती है, फर्म को ना लाभ और ना हानि की स्थिति हो सकती है, या फर्म लाभ कमा सकती है। तो हम इन तीनों स्थितियों को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों चित्र बनाए हुए हैं। प्रथम चित्र में इसमें आप देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा है, ओ वाई अक्ष पर मजदूरी, सीमांत आगम उत्पाद, औसत आगम उत्पाद एमआरपी और एआरपी दिखाए गए हैं, और जो श्रम के लिए मजदूरी लाइन है, वेज लाइन है, वह यहाँ आपको क्षैतिज रेखा के रूप में ये दिखाई दे रही है, जहाँ पर ए डब्ल्यू इक्वल टू एम डब्ल्यू है। ये मजदूरी रेखा है, ये मजदूरी रेखा श्रम को श्रम की फर्मों के लिए दी हुई है, क्योंकि उद्योग में मजदूरी दर निर्धारित हो चुकी है। अब इस मजदूरी रेखा पर जो फर्म है श्रमिकों की मात्रा निर्धारित करती है, और इस स्थिति में फर्म उस बिंदु पर संतुलन में होती है जहां एमआरपी इक्वल टू श्रम की सीमांत मजदूरी है, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं ई बिंदु है। इस ई बिंदु पर फर्म का संतुलन बिंदु है। लेकिन विद्यार्थियों, आप यहां यह भी देख सकते हैं कि इस ई बिंदु पर जहां पर फर्म संतुलन में है, ओ एम मात्रा श्रमिकों की काम पर लगा रही है, इस जो ओ डब्ल्यू जो मजदूरी दर है या जो ई एम मजदूरी दर है, इस ई एम मजदूरी दर पर जो श्रम से संबंधित ए आर पी कर्व है वह नीचे है, वेज लाइन के नीचे है, तो फर्म को इस शेडेड एरिया के बराबर, इस शेडेड एरिया के बराबर फर्म को हानि हो रही है। यानी जो श्रम की जो औसत मजदूरी है वह ज़्यादा है, और श्रम का औसत आगम उत्पाद जो है वह औसत मजदूरी से कम है, तो इस स्थिति में फर्म को हानि हो रही है। ये दूसरा वाला जो चित्र है इसमें आप देख रहे हैं इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर जहाँ पर मैं डॉट लगाई हुई है, इस बिंदु पर जो श्रम की सीमांत मजदूरी और श्रम की सीमांत आय उत्पादकता दोनों बराबर हैं, ओ एम श्रमिक काम पर लगाए जा रहे हैं और वह ए आर पी के बराबर भी है, ए डब्ल्यू के भी बराबर है, तो यहाँ पर फर्म को ना लाभ और ना हानि की स्थिति है। और इस तीसरी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो फर्म है उसका जो संतुलन बिंदु है वह ई बिंदु है, जहाँ पर एम आर पी इक्वल टू एम डब्ल्यू है, लेकिन इस ई बिंदु पर फर्म के लिए जो ए आर पी है वह अधिक है, एस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर फर्म को टी डब्ल्यू और एस ई इस आयत के बराबर लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अल्पकाल में फर्म तीनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है, लेकिन दीर्घकाल में फर्म के लिए श्रम के नियोजन से ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, और जो फर्म के लिए जो संतुलन की जो शर्त है वह है, जो है वह है कि जो मजदूरी है वह औसत मजदूरी, सीमांत मजदूरी, श्रम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए होता है कि हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि मान लीजिए जो फर्म है वो श्रम को लगाकर लाभ कमा रही है, और लाभ कमा रही है उस स्थिति में श्रम का औसत आगम उत्पाद
यानी एआरपी उसकी औसत मजदूरी से अधिक है, जैसा कि हम चित्र नंबर 3 में देख रहे हैं। तो उस स्थिति में नई नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी, श्रम की मांग बढ़ जाएगी, जिससे दीर्घकाल में औसत मजदूरी भी बढ़ जाएगी और उस स्थिति में श्रम का औसत आगम उत्पाद एआरपी और जो मजदूरी है वह औसत मजदूरी और एआरपी दोनों बराबर हो जाएंगे और दीर्घकाल में फर्म लाभ नहीं कमा पाएगी। यानी दीर्घकाल में फर्म के लिए जो ये चित्र नंबर 2 में जो स्थिति दिखाई हुई है वह दीर्घकाल में फर्म के लिए होती है। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो लेक्चर में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता वस्तु बाजार में भी है और साधन बाजार में भी है, उसमें हमने मजदूरी का निर्धारण देखा और हमने देखा कि किस प्रकार फर्म श्रम को नियोजित करके संतुलन प्राप्त करती है। तो हमने इसको अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों स्थितियों में देख लिया है। मैं समझती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, श्रम की मजदूरी का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, मांग पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम अगले वीडियो में अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।